नमस्कार, क्रिकेट में इस यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2020 की डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए लास्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, लेकिन दिवाली का त्यौहार मुंबई इंडियंस के लिए खुशियों की बरसात लेके आया है, क्योंकि अभी अभी मुंबई इंडियंस के लिए तीन बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में इन्हीं तीन न्यूज़ के मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो 250 लाइक्स का एम है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। जो सबसे पहली खुशखबरी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है मुंबई इंडियंस ट्रायल से। मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस एक इकलौती टीम है जो आईपीएल से पहले ही एक ट्रायल कराती है, और इस बार इस ट्रायल में उन्होंने दो डोमेस्टिक प्लेयर को बुलाया है। जो सबसे पहला प्लेयर जिनको इन्होंने बुलाया है वो है अवनेश सुधा, 17 ईयर्स के है, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। विजय हजारे ट्रॉफी में अभी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आईपीएल के बहुत ही अच्छे फाइंड हो सकता है ये प्लेयर। जो दूसरा प्लेयर जिसको इन्होंने बुलाया है वो है पप्पू रॉय, बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है, और मुंबई इंडियंस को अभी एक अच्छे इंडियन फास्ट बॉलर की दरकार है, तो ज़रूर मुंबई इंडियंस की टीम को ऑक्शन से खरीद सकती है। अगर इनके लिस्ट एक ही करियर की बात करें तो 17 मैचेस में इन्होंने 27 विकेट्स लिए हैं, और इनका जो इकोनॉमी है वो है 4.33 का, यानी कि बहुत ही अच्छे बॉलर है और मुंबई इंडियंस इनको ज़रूर खरीदने वाली है ऑक्शन से। जो दूसरी खुशखबरी मुंबई इंडियंस के लिए निकल के आई है वो निकल के आई है एमआईस फर्स्ट मैच से रिलेटेड, जहां पर थोड़ी दिन पहले एक खबर निकल के आई थी जिससे ये कंफर्म हो चुका है कि जो पहला मैच होगा वो मुंबई इंडियंस का ही होगा, वानखेड़े में होगा, और रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये जो मैच है ये 1 अप्रैल को होने वाला है। तो मुंबई के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पर पहले ही ये कंफर्म हो चुका था कि मुंबई इंडियंस ही खेलेगी फर्स्ट मैच, लेकिन अब तो डेट्स भी ऑलमोस्ट रिवील हो चुकी है। जो तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ओपनिंग सेरेमनी से। ये जो खबर है ये मुंबई इंडियंस के मुंबई बेस्ड फैंस और एमआई के ओनर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बीसीसीआई ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है जो कि ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम को चलाते हैं, और ये मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो फैन है वो इस ओपनिंग सेरेमनी को देख पाएंगे, और एमआई के जो ओनर्स है वो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकेंगे, क्योंकि जो ब्रेबोर्न स्टेडियम है वो मुंबई में स्थित है। तो ये तो थी तीन बहुत ही बड़ी खबरें और अच्छी खबरें जो मुंबई इंडियंस के निकल के आई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से दबा लें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।